नमस्कार दोस्तों, विराट कोहली और भारतीय टीम के साथ एक बार फिर हुई बेईमानी, मैदान पर ही भड़क उठे भारतीय फैन। जी हां दोस्तों, बताएंगे आपको पूरी खबर, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और अगर आप भी कप्तान विराट कोहली के फैन हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें। दोस्तों, भारत और न्यूजीलैंड के बीच मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में दूसरा और आखिरी टेस्ट मैच खेला जा रहा है। इस मैच में टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और टीम की सलामी जोड़ी ने अपने कप्तान को निराश नहीं किया। मयंक अग्रवाल और शुभमन गिल ने पारी की शुरुआत की और टीम को मजबूत शुरुआत दी। इस जोड़ी ने अर्धशतकीय साझेदारी निभाई। इन दोनों ने पहले विकेट के लिए 80 रनों की साझेदारी की, लेकिन इसके बाद गिल 44 रन बनाकर एजाज पटेल का शिखर बने। इसके तुरंत बाद चेतेश्वर पुजारा भी चलते बने, लेकिन इसके बाद जब कप्तान विराट कोहली बल्लेबाजी करने आए तब उनके साथ हुआ कुछ ऐसा कि कप्तान कोहली के साथ साथ मैदान पर मौजूद दर्शक भी भड़क उठे। दरअसल बात है एजाज पटेल की ओवर की। पटेल जब गेंदबाजी करने आए तब क्रीज पर विराट बल्लेबाजी कर रहे थे। एजाज पटेल की आखिरी गेंद पर विराट डिफेंड करने गए, लेकिन बल्ला सीधे पैड्स पर जा लगी, जिसके बाद अपील पर अंपायर ने आउट करार दिया। हालांकि विराट कोहली को भरोसा था कि गेंद पहले बल्ले से लगी उसके बाद पैड्स पर जा लगी, इस कारण विराट ने तुरंत ही रिव्यू ले लिया और थर्ड अंपायर ने काफी समय लेने के बाद आउट करार दिया। रिव्यू में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि गेंद पहले बल्ले से लगी है। विराट कोहली को आउट डिक्लेयर करते ही स्टेडियम में मौजूद फैंस भड़क उठे, साथ ही विराट को अंपायर के साथ बहस करते देखा गया। दोस्तों, इस सीरीज में अंपायरिंग बेहद ही खराब रही है और इस बार भी खराब अंपायरिंग का शिकार बने विराट कोहली और शून्य पर पवेलियन लौट गए। तो दोस्तों, आपकी राय में क्या विराट आउट थे या नहीं, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर करें। धन्यवाद।